So, how would you want to scale yourself and your work to reach other parts of the world? See, as I said, I have read almost 1480 books. धीरे धीरे इतने चेंजेस मुझ में आए हैं. आई थिंक द जर्नी इज इनवर्ड नॉट आउटवर्ड. इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, स्केलिंग. ग्रोथ का कंसेप्ट ही चेंज हो गया मेरे लिए. ग्रोथ इज नॉट अबाउट गेटिंग बिगर, इट्स अबाउट गेटिंग बेटर. इट्स नॉट अबाउट कंपेयरिंग विथ अदर एप्स और अदर पीपल. इट्स अबाउट कंपेयरिंग विथ माई ओन पास्ट परफॉर्मेंस इन एनी फैसेट ऑफ लाइफ. इट कुड बी बुकलेट ऐप. अगर 6 महीने पहले जैसा था उससे क्या वो 1% बेटर है आज? एंड आई विल ट्राई टू मेक इट 1% बेटर 6 months अहेड ऑफ टुडे. इवन फॉर माई फिटनेस, कल अगर मैंने 10 पुशअप्स मारे तो आज मुझे 11 पुशअप्स मारने चाहिए और कल 12. दिस इज ग्रोथ फॉर मी. इट्स नॉट अबाउट कंपेयरिंग विथ अदर्स. अरे उसके 6 packs आ गए, मेरे नहीं आ गए. नो, इट्स अबाउट कंपेयरिंग विथ माई ओन पास्ट परफॉर्मेंस. सो आई डोंट केयर नो कि मैं 10 साल के बाद कहाँ दिखूंगा. आई एंजॉय द प्रोसेस एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स. ओके, नो, बी पेशेंट विद द रिजल्ट्स एंड इम्पेशेंट विद द प्रोसेस. अगर प्रोसेस में ही मजा आने लगा देन हाउ डज इट मैटर वेदर यू गेट रिजल्ट्स और नॉट, बिकॉज़ यू आर एनीवे हैप्पी. एंड व्हेन यू डू इट हैप्पीली रिजल्ट्स आर बाउंड टू हैपन. So it has been so motivation, जो आपकी जो भी success story हमने अब तक सुनी है, I'm sure यहाँ पे जितने भी youth है, they are motivated in some or the other way to fall down and get up again.